हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। बिल्कुल अनिल जी, सेक्टोरल स्टॉक्स में ऐसे खरीदे जो कंपनियों के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो। चार कंपनी है, सबसे पहले L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स का जायंट 2298 2300 के करीब के टारगेट के लिए 30 रुपए लगाए। अब ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी 40% 45% इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है। 68,000 करोड़ का तो ये साल में ऑर्डर बुक है, 15% से ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू 19% और प्रॉफिटेबिलिटी 30% से ग्रो होगा। L&T का दमदार स्टॉक और जायंट शार्क है ये अपने इंडस्ट्री का। दूसरी शार्क वो है हाउसिंग फाइनेंस NBFC, सबसे बड़ी NBFC HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 3450 का, 30 रुपए लगाए 100 रुपए में से। ये सबसे बड़ी है इंडिविजुअल, इनकी जो लोन बुक है हाउसिंग लोन बुक वो 79% है, टोटल लोन ग्रोथ 11% और दिसंबर 21 तक का जो AUM है वो 6 लाख करोड़ के थोड़ा सा ऊपर और टोटल लोन ग्रोथ जो हो रहा है वो 17% जो हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन एसेट क्वालिटी वाली कंपनी HDFC लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। तीसरा शार्क जो है और वो मोनोपोली बिजनेस है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, टारगेट होगा 317 का, 317 20 रुपए लगाए 100 रुपए में से, 95% मार्केट शेयर, डेट फ्री बैलेंस शीट, रिजल्ट इसके दमदार है, 38% मुनाफों में उछाल देखा, 68% का मार्जिन और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह वगैरह और रेगुलेटरी टेलविंड है, सरकार चाहती है ऐसा बिजनेस को और बढ़ावा दे। चौथी कंपनी होगी CDSL डिपॉजिटरी का जायंट CDSL, टारगेट होगा 2100 रुपए का, इसमें बचे हुए 20 रुपए लगाए आप 100 रुपए में से और ये कंपनी के 5 करोड़ से ऊपर के डीमैट अकाउंट्स है, 91 लाख डीमैट अकाउंट Q3 में ऐड किए गए हैं, 55% का मुनाफों में उछाल देखा है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी और कहा जाता है LIC के IPO से भी बहुत ढेर सारे अकाउंट्स खुलेंगे बाजार में कैपिटल मार्केट्स में जिसका डायरेक्ट फायदा CDSL को होगा 2100 के टारगेट के लिए। लोग कहते हैं डार्क हॉर्स खरीदो, मैं कहूंगा सेक्टोरल शार्क्स खरीदो क्योंकि ये इतने